एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा सीरम बताऊंगी और ये आने वाले मौसम, जैसे कि जो सर्दियां शुरू होने वाली हैं अभी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस मौसम के साथ साथ, जैसे बरसात अभी चल रही है, इसके साथ साथ आप आने वाले, जैसे मौसम होगा चेंज होता रहता है मौसम, तो उसमें अगर आप इस सीरम को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की जो जड़ें कच्ची हो गई हैं वो बहुत जल्दी मजबूत हो जाएंगी। दूसरा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे बाल जड़ों के साथ साथ ना बाल बीच में से भी टूटते हैं, क्योंकि बालों में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बाल बीच में से टूटने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार, जैसे आपके बाल उलझ जाते हैं और आप कॉम करते हैं तो बीच में से बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज मैं एक बहुत अच्छा सीरम बता रही हूँ। आप अगर आप जैसे हिना लगा रहे हैं तो हिना के बाद इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू से पहले थोड़ा सा, शैम्पू करने के बाद इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा है। इसे इस्तेमाल करने से एक तो आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बाल सॉफ्ट रहेंगे, आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप तीसरी चीज़, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके बालों को जड़ों से काला करना शुरू कर देगा। और इसमें सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी मैं, तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया हुआ है मेथी। ये मेथी को मैंने रात भर कढ़ाई में भिगा हुआ था। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोटे वाली जैसे मेथी होती है उसको आप थोड़ा सा मिक्सी में मोटा मोटा पीस लीजिएगा और उसे इस तरीके से आप रात भर कढ़ाई में भिगा के रख दीजिएगा, तो ये इस तरीके से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और अब हम इसे बड़े से बर्तन में इसका सीरम बनाएंगे। और इसमें दूसरी चीज़ हम क्या इस्तेमाल करें वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको मेथी को पकाना है और इसका हमें सीरम चाहिए, क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है जो बालों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी मजबूत बनाती है, काला बनाती है, घना बनाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। इसमें इतने सारे गुण है जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं सीरम को बनाना। कि मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। जो हम मेथी को जैसे भिगाते हैं तो भिगाने के बाद वो ना बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो इसके लिए हमें बड़ा सा बर्तन चाहिए क्योंकि हमें सीरम बनाना है। और इस मेथी को हम इस बर्तन में डाल देंगे। आप अगर आपके पास लोहे का बर्तन बड़ा सा है तो आप लोहे के बर्तन में भी पका सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इस तरीके से आप एक बड़े से बर्तन में इसे पकने के लिए रख दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी दूसरी हर्ब। जैसे ही गर्म हो जाती है, इसमें एक बॉयल आ जाता है तब, क्योंकि इससे क्या होगा, मेथी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में इसलिए, और जैसे जैसे ये पकती रहेगी इसका जेल निकलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सीरम है जो आज मैं आपको बता रही हूँ, रेगुलर इस्तेमाल कर दिया तो बालों की आपकी 95 प्रॉब्लम, वाइट बाल हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़ेद बाल हो गए हैं, उम्र बहुत कम है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, हर तरीके से बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, ये अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है और अभी इसे हम थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर हम इसमें दूसरी हर्ब डालेंगे। और ये देखिए, ये काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है और ये आप देख सकते हैं, इसे रात भर भिगा के रखा तो ये ब्लैक भी कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दूसरी हर्ब, क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो चुकी है और दूसरी हर्ब को भी हमारी पकने में टाइम लगेगा। तो देखिए, इसके लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। आपके पास जो भी ग्रीन टी अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। तो इसमें मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन टी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली होती है। और जैसे एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है और हमारी बॉडी एकदम फ्रेश फील करती है। उसी तरीके से इस एंटीऑक्सीडेंट को हम अगर बालों के लिए लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जड़ें बहुत जल्दी एक्टिव होंगी और बाल बहुत जल्दी काले घने होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका एंटीऑक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। तो अब इसमें हम लेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब। ये देखिए, इस तरीके से 2 चम्मच के करीब हम इसमें ग्रीन टी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अब हमें गैस को कम कर देना है। और कम कम गैस में इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे हम, तो इससे क्या होगा, एंड जो हमारी ग्रीन टी है ना वो भी अपना कलर छोड़ देगी और जो हमने इसमें मेथी डाली है वो भी बहुत अच्छे से पक जाएगी। और ये इतना अच्छा सीरम है, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जैसे आप इसे कंडीशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद आप थोड़ा सा ले लीजिए 1 चम्मच गीले बालों में, उसे अच्छे से मसाज करके छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, तो ये कंडीशनर का काम भी करेगा। और आप जैसे शैम्पू से पहले प्री कंडीशनर लगाते हैं, आप अगर इस तरीके से भी इसे इस्तेमाल करेंगे तब भी आपके बालों को बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ये हर तरीके से बालों के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप हिना लगाते हैं तो हिना लगाने से आपको लगता है कि बालों में कलर आ गया है, साथ साथ बाल काले हो गए हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस तरीके से अपने बालों को पोषित करने के लिए देनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक कम गैस में पकने देते हैं। और ये देखिए, ये पक चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अभी हम इसे थोड़ा सा, थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, क्योंकि इसका जेल फॉर्म बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम इसे थोड़ा सा इसमें ठंडा होने देंगे। तो इसे कम से कम ऐसे ही 4 से 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो इससे क्या होगा, मेथी का जितना भी अर्क है ना वो सारा इस लिक्विड में आ जाएगा और ये बहुत अच्छा सा जेल बन जाएगा एक। तो चलिए, अब इसे 2 से 3 मिनट तक, जब तक रूम टेम्परेचर पर नहीं आता, इसे ठंडा होने देते हैं।
और ये देखिए ये अभी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेन कर लेंगे इस तरीके से। तरीके से हम इसे छान लेंगे पूरा। ग्रीन टी होने की वजह से ना इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है इसमें इस टाइम, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्टेन कर लेंगे। चलाएंगे तो ये पूरा जितना भी इसका एसेंस है ना पूरा इसमें आ जाएगा ही। और मेथी का तो अपना ही अलग फ़ायदा होता है बालों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे मेथी हर तरीके से बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए इस तरीके से हम पूरा इसे छान लेंगे, क्योंकि देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे इसे मैं अच्छे से मैश करके निकाल रही हूँ ना, ये देखिए कितना ब्लैक जेल निकल रहा है इसमें से, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए। अच्छे से इसको ऐसे चलाते रहिए आप, और जितना भी इसका, जितना भी मेथी में और जो हमने इसमें ग्रीन टी डाली है उसका जितना भी एसेंस है ना पूरा निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा जेल निकल रहा है, ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए ये जेल। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा जो जेल था ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने इसे रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दिया ना इसका बालों में, तो आपके बाल बहुत ही जल्दी काले होने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसका जेल जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो आप इसे रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना इसका बालों में, तो ये बहुत ही जल्दी आपके बालों को काला बनाना शुरू कर देगा, घना बनाना शुरू कर देगा, और हर एज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार लगाएंगे तो एक बार में आपके बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है, कम से कम आप इसे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करिए, ये जड़ों से वर्क करना शुरू करेगा। बाल बहुत बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बाल बीच से टूटते हैं, जड़ों से निकलते हैं, बालों की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं, उनसे बाल निकल ही नहीं रहे हैं। हर तरीके से ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसे मसाज करके बालों में छोड़ दीजिएगा, जब तक ड्राई नहीं होता है 20 से 25 मिनट आप इसे बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कोई भी होममेड सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करके आप सिर को वॉश कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा जैसे आप शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद भी इसे 1 चम्मच लेकर अच्छे से गीले बालों में मसाज करके फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ऊपर से, तो ये कंडीशनर का काम भी करेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हर तरीके से बालों के लिए। आप इसे जैसे अभी थोड़ा गर्मियों का मौसम है तो आप इसे रात को मसाज करके भी बालों में छोड़ सकते हैं, जैसे फ़ैन के नीचे बैठ जाइए लगाने के बाद तो बाल ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल, तो उससे क्या होगा ये बहुत ही जल्दी बालों को काला करना शुरू कर देगा, घना बनाना शुरू कर देगा। और हर एज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि ये हर्बल रेमेडी है तो हर एज वाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जल कैसा लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।